हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मराठी लुक। आप कैसे तैयार हो सकते हैं मराठी लुक में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह से धो लेना है। आप फेस वॉश जो भी यूज़ करते हैं उससे अच्छी तरह से धो लें, जिससे चेहरे पर बिल्कुल ऑयल या क्रीम वगैरह ना रहे, और पानी को अच्छी तरह से टॉवल से पोंछ लें। फिर उसके बाद चेहरा, क्योंकि गीला ना रहे, अब हम चेहरे पर, यहाँ पर मैं निविया का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र को फेस पर अच्छी तरह से मिला लें। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद यहाँ पर मैं मार्स का फेस प्राइमर लगा रही हूँ। फेस प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि जो भी मेकअप में केमिकल वगैरह होते हैं उससे हमारे फेस को कोई भी नुकसान नहीं होता है। फेस प्राइमर एक बेस का काम करता है। फेस प्राइमर लगाने के बाद 2 से 3 मिनट रुके, उसके बाद हम चेहरे पर फाउंडेशन लगाएंगे। यहाँ पर मैं मैक का ब्यूटी ब्लेंडर और बॉबी ब्राउन का फुल कवरेज फाउंडेशन ले रही हूँ। आप चाहो तो पहले फाउंडेशन को हाथ से चेहरे पर टैप टैप करके रख सकते हो, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर में आप थोड़ा सा फाउंडेशन लगा करके टैप टैप पूरे चेहरे पर लगाएं। आपको ब्यूटी ब्लेंडर चेहरे पर घिसना नहीं है, टैप टैप करके ही पूरे चेहरे पर फाउंडेशन कवर करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रो कंसीलर ले रही हूँ, जो भी आपके चेहरे पर ब्लैकनेस या फिर डार्क सर्कल है उस पर ये प्रो कंसीलर काम करता है और डार्कनेस वगैरह को छुपाता है। फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर से प्रो कंसीलर जो हमने लगाया है उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। इसे भी टैप टैप करके ही हमें ब्लेंड करना है, घिसना नहीं है। आपके नोज साइड में या लिप के साइड में जो भी ब्लैकनेस वगैरह है उस पर भी आप प्रो कंसीलर लगा करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है ब्यूटी ब्लेंडर में, और उससे फेस से आपको एक लेयर पे फाउंडेशन चेहरे पर लगाना है। थोड़ा टाइम फाउंडेशन लगाने में लगाएं, भले चाहे थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर पहले आपके फेस पर फाउंडेशन ही एक सेकंड बेस का काम करता है, क्योंकि जब तक आपके चेहरे पर फाउंडेशन अच्छी तरह से नहीं लगेगा तब तक आपका मेकअप परफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद मैं आई शेडो पैलेट लिया है, उस पर ब्राउन शेड ले रही हूँ। इसको आईज पर धीरे धीरे करके लगाना है, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। लाइट ब्राउन शेड है, हो सकता है आपको कैमरे पे नहीं दिख रहा हो, पर फर्स्ट लेयर आपको लाइट कलर में ही लगानी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लू शेड ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जो भी कपड़े पहने हैं ब्लू कलर के, मैंने साड़ी पहनी है उसके मैचिंग का मैं आई शेडो लगा रही हूँ। आईज के आउटर साइड में मैं ब्लू कलर लगा रही हूँ। आप जिस भी कलर का कपड़ा पहन रहे हो उस तरह का आप शेड दे सकते हो। अभी ब्लू शायद आपको ज्यादा दिख रहा होगा, पर ये फुल कवरेज के बाद सही दिखेगा। यह अपन वेट एंड वाइट का गोल्डन आई शेडो ले रही हूँ। इसको मैंने इनर कॉर्नर में से लगाना शुरू किया है, और जहाँ तक मैंने ब्लू लगाया है वहाँ तक लगाएंगे। और इसे अच्छी तरह से ब्रश से लगाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्केच आईलाइनर ले रही हूँ।
दोनों आईज में मैंने आईलाइनर लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लैक्मे का काजल ले रही हूँ। इसको आपको जितना भी पतला या मोटा लगाना है आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 से 3 लेयर में थोड़ा मोटा काजल लगाया है। फिर यहाँ पर मैं रेवलॉन का फेस पाउडर ले रही हूँ। इसे अच्छी तरह से पूरे फेस में आपको कवर करना है लगा करके। अब मैं यहाँ पर मैक का ब्लशर ले रही हूँ। कॉन्टोर पैलेट लिया है, इससे मैं थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर लूँगी फेस पर जिससे थोड़ा पतला दिखे चेहरा। फोरहेड पर भी थोड़ा सा कंटूरिंग कर लेंगे, ज़्यादा कंटूरिंग मैं नहीं कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने वैसलीन का लिप बाम लिया है, इसको थोड़ा लिप्स पर लगाएंगे। अगर आप लिप बाम पहले लगा लेते हो तो लिपस्टिक आपकी काफ़ी देर तक लगी रहती है, अगर आप मैटी लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर मैंने मैबेलिन का रेड शेड लिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बिंदी लगा ली है मराठी स्टाइल में। मराठी नथ अब मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। आप चाहो तो बाल ओपन भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं एक पफ बना करके और जोड़ा बनाऊंगी। फिर सारे बालों को पकड़ करके इसे हाथ में उंगली में रोल करते हुए हम एक जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर मैं हुडा का हाइलाइटर ले रही हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा लगाकर मैंने ब्रश से हाइलाइट कर लिए है। आप चाहो तो नोज़ पर भी लगा करके नोज़ भी हाइलाइट कर सकते हो। आपको जो भी हल्की या हैवी ज्वेलरी पहननी है आप पहन सकते हो। और यहाँ पर मैं एक हैवी इयररिंग्स पहन रही हूँ। इसकी जो कंछड़ी है इसे बालों में लगा करके सेट कर लेंगे, या तो फिर आप एक क्लिप भी लगा सकते हो। मैंने हुक को बालों में फंसा लिया है।
फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मैक का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। आइस क्लोज करके मेकअप फिक्सर यूज़ करना है। मेकअप डन हो चुका है। आप चाहो तो ज्वेलरी पहनने के पहले ही मेकअप फिक्सर यूज़ कर लो, मैंने स्किप कर दिया था इसलिए मैंने बाद में यूज़ किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।